हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख रहे हो, बड़ा अपडेट आ रहा है कि आप लोग का बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती का उसका जो है रिजल्ट आ चुका है। आप लोग ये साइट पे bpscbih.nic.in पे आके आप लोग चेक कर सकते हो। हालांकि बहुत ही साइट जाम चल रहा है, लेकिन आप लोग आ सकते हो। दो नोटिस आप लोग को दिया गया, देखो 17/10/2023 और 17/10/2023, तो दो नोटिस है, आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, और अभी जो रिजल्ट सबका नहीं, अभी देखो सब्जेक्ट सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट का आया हुआ है। ये देखो, ये नोटिस है, इसके बारे में आप लोग बताया गया दोनों चीज। देखो यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे, ये पहला वाला रिकॉर्डिंग कलेक्शन ऑफ रिजल्ट, यहाँ पे आप लोग जो क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये खुल जाएगा। हालांकि बहुत साइट जाम चल रहा है, जैसे मैंने डाउनलोड करके रखे हैं। ठीक है, जैसे ये आपको इस तरह का नोटिस मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करके आप लोग अच्छा से पढ़ लेना है। ठीक है, आप लोगों को कौन पेपर कहाँ जमा करना है, ये टोटल डिटेल इसके बारे में बताया गया। इसका दूसरा, जब आप इस साइट पे आओगे तो आपको रिजल्ट देखने के लिए, ये वाला रिजल्ट का आप लोग देखो, रिजल्ट स्कूल टीचर कंपटीशन एग्जामिनेशन क्लास 11 12th सब्जेक्ट हिंदी, यहाँ जब आप क्लिक करोगे तो आप लोग का हिंदी का डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही अभी साइट जाम चल रहा है। ठीक है, तो आपको वेट करना है, आप लोग वेट करोगे या ट्राई करते रहोगे, आप लोग हो जाएगा। जैसे करोगे देखो, ये आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, आप लोग का इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग, तो आपका इस तरह से पीडीएफ खुल जाएगा। आप लोग पीडीएफ से आके अपना रिजल्ट चेक कर लेना है, आप लोग का हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको रोल नंबर, यहाँ पे नाम, यहाँ पे मेल आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टोटल डिटेल आप लोग आके एकदम चेक कर सकते हो अपने मुताबिक। देख पा रहे हैं आप लोग, 11 पेज का पीडीएफ है, आप लोग आके चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आप लोग को, देखो इस तरह। इसके अलावा जब आप साइड में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे और एक आप लोग देखो, यहाँ पे देखो ये देखो, ये वाला जो रिजल्ट आप रिजल्ट देखेगा, इसके अलावा आप लोग का जो सिलेक्शन कहाँ पे हुआ है, मतलब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट, आप लोग का जो समझ लो कि आपका समझ लो कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ। तो ये रिजल्ट है, देखो ना, सेकंड वाला चेक करते हैं। ठीक है, जैसे रविशंकर है, ये रोल नंबर है। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये याद रखते हैं, 8853 03। और इसके बाद ये सेकंड, ये यहाँ देखो डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड लिस्ट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपका अलग पीडीएफ खुल जाएगा। अभी साइड जाम है, आप नहीं कर रहे, देखो ये वाला पीडीएफ खुलेगा, इसमें आपको डाउनलोड करना है। अब आप लोग को जिसका खोजना है, समझ लो कि आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, तो ये देखो ये वाला मेरा था 8853 03। यहाँ जब क्लिक करोगे तो आप लोग देखो इस तरह, शुरू से करते हैं 03। देखो इस तरह से आप लोग देखने को मिल जाएगा, देख पा रहे आप लोग, इस तरह से आप लोग ये देखने को मिल जाएगा, देख पा रहे आप लोग इस तरह से। तो ये जो बंदा है सेकंड वाला, जो आप लोग देखे उसका सिलेक्शन कहाँ हुआ, पटना, तो ये भी बता गया है कि आप लोग का जो सिलेक्शन है, आप लोग का अलॉटमेंट डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ये भी बता दिया गया आप लोग का, ये पटना में। तो अपने मुताबिक आके चेक कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक एक डिटेल। और आप लोग आके नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अपने मुताबिक सब डिटेल आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये देख पा रहे हो आप लोग रिजल्ट जो देख पा रहे हो, और यहाँ पे देखो एक चीज, ये जो अलॉटमेंट वाला सेक्शन है, नीचे जाओगे तो यार एक चीज बताया गया, देख पा रहे आप लोग यहाँ पे देखो, क्योंकि पहला जो नाम आप लोग को देखो, ये देखो ये हिंदी का है। ठीक है, देखो यहाँ बताया गया, लिपिकीय टंकन मतलब टाइपिंग भूल वर्ष हुई त्रुटि के कारण जिला आवंटन में संशोधित हो सकता है। बाय चांस आप लोग सर्च कर रहे हो, सर्च कर रहे हो और आपका नाम मतलब समझ लो कि यहाँ पे है, आप लोग का समझ लो रिजल्ट में है, ये नहीं, ये है। हाँ, ये देखो रिजल्ट में, जैसे इनका पहला वाला जो है 9139 47। ठीक है, इनका जो हम जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये जो हम सर्च करेंगे अभी देखते हैं आप लोग, रुको, यहाँ पे जब हम लिखेंगे, ठीक है, क्या था हम लोग का 9139 47, यहाँ जब हम चेक कर रहे हैं, देख पा रहे हो आप लोग इनका नाम नहीं दिख रहा, तो हो सकता है टाइपिंग में गलत है, इसलिए वो बता दिया गया कि जी टाइपिंग में गलत है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है, आप लोग कर सकते हो। हालांकि और एक दो चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है, देखते हैं कि क्या बता रहा है। ये तीसरा नंबर वाला चेक करते हैं, ये आता है कि नहीं। ठीक है, तीसरा नंबर वाला जो है, ये वाला हम जाएंगे, ये अलॉटेड वाला है। ठीक है, देख पा रहे, यहाँ पे हम तीसरा वाला चेक करते हैं, देखते हैं ये दे रहा कि नहीं, क्योंकि पहला वाला मुझे दिखा नहीं, इसलिए मैंने ये किया। देखो तीसरा वाला है, क्या है, 9054 99। देखो ये तीसरा वाला भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे देखो सिवान में इनका सिलेक्शन हुआ, मतलब अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट है, देख पा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आगे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो किसी किसी का समझ लो कि यहाँ पे अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट नहीं दिखा, तो यहाँ बता दिया कि टाइपिंग में गलत होगा, क्योंकि हो ही सकता है इतना सारा पीडीएफ वो टाइप कर रहा, तो समझ रहे हो ना, गलती हो ही सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब डिटेल समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जरूर जाना है, क्योंकि इसी तरह से अपडेट आपको इस चैनल से मिल जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जरूर जाना है। मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। इसके अलावा यदि आपको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रहा है या सर्वर कारण नहीं कर पा रहे आप लोग, तो आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग को टोटल जितना पीडीएफ आया हुआ मैं वहाँ भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा यदि और भी आएगा तो मैं वहाँ अपडेट दे दूंगा, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जरूर जाना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दे, और कुछ भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो मिलते हैं आप लोग, धन्यवाद।